डेंसिटी एंड कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर ऑन द डेंसिटी, और उसमें अपन ने देखा था कि वाटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोर डेंसर देन द वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बट द वॉयलेशन वॉज द वाटर एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड इज लेस डेंस देन द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका कारण मैंने बताया था कि वाटर की एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी है, वो है उसका थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन। मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन कैन बी फाउंड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, आफ्टर दिस द वाटर विल एक्चुअली एक्सपेंड, सो दैट्स वाई देर इज द वॉयलेशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी। तो यहाँ पे ये कर्व है, इसी को डिपिक्ट कर रहा है। मेरा नाम है फैजल खान और आप सबका स्वागत है जियो खान यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे ओशियनोग्राफी लेक्चर 3, और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे सी वाटर केमिस्ट्री। सी वाटर केमिस्ट्री जब भी अपन पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह आता है कि प्योर वाटर और सी वाटर के अंदर क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस इज सी वाटर इज ऑफ समथिंग सॉल्टीनेस टेस्ट, वो आपको सॉल्टीनेस टेस्ट देता है, ठीक है। और सवाल पैदा ये होता है कि अगर सॉल्टीनेस टेस्ट है, टेस्ट आ रहा है, इस मीन्स कि उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स डिजोल्व होंगे, और वो डिजोल्व सॉल्ट्स हैं तो कितने हैं, है ना, और कहाँ से आए, कितने हैं उसका सवाल है। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ये देती है कि पूरा का पूरा ओशनिक वाटर इवेपोरेट कर दिया जाए, या पूरी अर्थ सरफेस को कवर कर दिया जाए, और उसके बाद में पूरा ओशनिक वाटर इवेपोरेट कर दिया जाए, तो अर्थ सरफेस पे 150 मीटर थिक लेयर है वो सॉल्ट्स की डिपॉजिट हो जाएगी, इतना सॉल्ट कंटेंट है वो ओशंस के अंदर है। सवाल तो ये बनता है कि इतना सॉल्ट कंटेंट आया कहाँ से, ठीक है, इसको अपन डिस्कस करेंगे इसके इंटीग्रल पार्ट में। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि जो सॉल्ट्स डिजोल्व हैं वो सॉल्ट्स हैं क्या, और कितने टाइप के सॉल्ट्स अपने को ओशनिक वाटर के अंदर मिलते हैं, सी वाटर के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो सॉल्ट वाटर, जो सी वाटर है ना, ये आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर अपने को पता है दो पार्ट होते हैं, एक आपका सॉल्वेंट होता है, एक आपका सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट वो होता है जो डिजोल्व करता है, और सॉल्यूट वो होता है जो डिजोल्व होता है। सो द सॉल्विंग डिजोल्विंग एजेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, एंड इन केस ऑफ सी वाटर दैट इज योर वाटर, लिक्विड वाटर, एंड द डिजोल्व सब्सटेंस विच इज कॉल्ड सॉल्यूट आर द साल्ट आयंस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज जो डिजोल्व सॉल्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो मेजरली मेटल्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारे सारे ट्रेस एलिमेंट्स, ये सारे सारे आपके क्या हैं, सॉल्ट्स या अपन सॉल्यूट्स बोल रहे हैं, तो सॉल्यूट्स हैं इसके अंदर सी वाटर के अंदर। तो बेसिकली अपन ने क्या बोल दिया कि सी वाटर इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा तो दो पार्ट होंगे, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट होगा जो डिजोल्व करेगा, सॉल्यूट वो होगा जो डिजोल्व होएगा। ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ये बोल रहे हैं कि जो ग्रुपिंग ऑफ डिजोल्व सॉल्ट्स है उसको अपन पांच कैटेगरी में पढ़ सकते हैं, फाइव कैटेगरीज ऑफ दी सॉल्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर वी हैव आइडेंटिफाइड। वन इज मेजर कंस्टिट्यूएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ट्रेस एलिमेंट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये अपनी पांच मेजर हेडिंग्स हैं जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर अपन सॉल्यूट्स ऑफ सी वाटर की स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन से हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, उनकी कितनी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कितनी है, उसको बताने के लिए अपने पास में क्या होना, एक यूनिट होना जरूरी है। वो क्या है, देखो सवाल ये है कि हाउ टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट्स इन सी वाटर। हाउ टू डिटरमाइन कैसे हैं वो, उसका मतलब मेरे को पता नहीं है कि, वो तो मैंने देख लिया है कि मेजर कंस्टिट्यूएंट है, न्यूट्रिएंट है, गैसेज हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और ट्रेस एलिमेंट्स हैं। ये पांच तरह के मेरे पास सॉल्यूट्स हैं सी वाटर के अंदर। सवाल यह है कि मैं इनकी कंसंट्रेशन कैसे डिटरमाइन करूं, मेरे पास कोई यूनिट तो होनी चाहिए ना। तो यूनिट मेरे पास है पार्ट्स पर थाउजेंड। सर पार्ट्स पर थाउजेंड का मतलब क्या होता है, जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में बताएगा, नहीं पता है देखते रहो, सब कुछ पता चल जाएगा अभी, ठीक है। सो कंसंट्रेशन को स्पेसिफाई करने के लिए अपने को एक यूनिट तो चाहिए ना कि इसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे अपने पास में यूनिट अपन ने क्या ले ली, पार्ट्स पर थाउजेंड। अब पार्ट्स पर थाउजेंड का मीनिंग क्या होता है, लिटरल मीनिंग ऑफ द पार्ट्स पर थाउजेंड इज काउंटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर अमंग द थाउजेंड। मतलब आपके पास में कोई कमोडिटी है जिसकी टोटल क्वांटिटी थाउजेंड है, उसके अंदर पर्टिकुलर क्वांटिटी कितनी है वो उसका पार्ट्स पर थाउजेंड होगा। और एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाता हूँ, डेफिनेशन पार्ट्स पर थाउजेंड का मतलब क्या है, काउंटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर अमंग द थाउजेंड। अब परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, परसेंटेज का मीनिंग प्रतिशत हिंदी में बोलते हैं। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ परसेंटेज। पार्ट्स पर थाउजेंड का मीनिंग है काउंटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर अमंग 1000। तो परसेंटेज का मीनिंग बताओ मेरे को, ठीक है। अब यहां पे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको समझाने के लिए बताता हूं कि आपके पास मान लो कि टोटल क्रिकेट बॉल्स हैं वो है 1000। आउट ऑफ दिस 1000 क्रिकेट बॉल्स यू हैव 300
बॉल्स विच आर ऑफ रेड कलर एंड 200 आर ऑफ येलो कलर, 100 इज ऑफ ब्लू कलर, और ये लिखा हुआ पढ़ लेना यार, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ कि 300 रेड कलर की जो बॉल्स हैं उनको मैं पार्ट्स पर थाउजेंड में बोलना चाहूँ, तो क्या बोल सकता हूँ कि 300 पार्ट्स पर थाउजेंड ऑफ रेड कलर बॉल्स प्रेजेंट है, और इसी बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि 200 पार्ट्स पर थाउजेंड ऑफ पर्पल कलर बॉल्स, ठीक है। मतलब टोटल 1000 थे, उसमें से 200 पर्पल कलर के हैं, 300 रेड कलर के हैं, 200 आपकी येलो कलर के हैं, 100 आपकी ब्लू कलर की हैं। तो अगर आपको ये बताना हो कि भाई टोटल आपके पास क्रिकेट बॉल 1000 है, तो इसके अंदर रेड कलर बॉल्स की जो कंसंट्रेशन है उसको मैं पार्ट्स पर थाउजेंड में बताना चाहता हूँ, तो बताओ कैसे लिख सकते हैं। सो सिंपली लिख देंगे 300 पार्ट्स पर थाउजेंड, मतलब आउट ऑफ 1000 300 आपके पार्ट्स किसके हैं, रेड कलर के बॉल के हैं। आई होप कि आपको ये बहुत बेसिक सा फंडा समझ में आ गया हो। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि यार न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से यूनिट कन्वर्जन के। आपको पार्ट्स पर थाउजेंड को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना आ रहा होगा, और परसेंटेज को पार्ट्स पर थाउजेंड में कन्वर्ट नहीं करना आ रहा होगा ना, गलत कर रहे होगे यार। बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं लेकिन फिर भी गलत कर रहे होगे, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो अब्रीवेशन है पार्ट्स पर थाउजेंड का, ये अपन बोलते हैं पीपीटी, और इसकी यूनिट है वो इस तरह से अपन शो करते हैं, ठीक है। परसेंटेज में तो सिर्फ ये इतना ही पार्ट होता है, और एक अपन बिंदी और आगे लगा देते हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपको ये जो टोटल डिजोल्व सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है उसकी ये यूनिट नहीं चाहिए, आपको डायमेंशन लेस बताना है। डायमेंशन लेस के लिए एक यूनिट अपने पास में होती है, वो आपका PSS 78, और इसकी फुल फॉर्म होती है प्रैक्टिकल सेलिनिटी स्केल 1978 में प्रपोज की गई थी, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म है PSS 78, ठीक है। अब ये है क्या, ये अपन डिस्कस करेंगे सेलिनिटी में। अभी तक मैंने सेलिनिटी वर्ड नहीं बोला है, ठीक है, मैं सिर्फ कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ पार्ट्स पर थाउजेंड, ये ध्यान में रखना। चलिए आगे, मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन से हैं, पांच हेडिंग बता दी कि मेजर कंस्टिट्यूएंट है न्यूट्रिएंट्स है, ट्रेस एलिमेंट्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और गैसेज है। अब न्यूट्रिएंट मेजर कंस्टिट्यूएंट्स में कौन से हैं, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो आपका क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये ठीक है। और इसके अलावा कुछ चार पांच और है, जैसे अर्थ क्रस्ट के अंदर अपन मोस्ट ऑफ दी एलिमेंटल कंपोजिशन है वो किसका है, आपका सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन है, फिर सिलिकन है। तो ये आपका आता है ना ऑक्सीजन, सिलिकन, एलुमिनियम, आयरन, वो चलता रहता है सीरीज पूरा का पूरा। ऐसे ही आपका सी वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा कौन है, क्लोराइड है, उसके बाद में कौन है, सोडियम है, उसके बाद में कौन है, सल्फेट है। तो क्लोराइड और सोडियम दोनों मिलकर के कितना बनाते हैं, टोटल डिजोल्व सॉल्ट्स हैं उसका 85.65%, ठीक है। तो सिक्स मोस्ट अबंडेंट आयन्स कौन से हैं, क्लोराइड, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम, विच मेकअप मोर देन 99% ऑफ ऑल दी सी वाटर सोल्यूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहले यहाँ पे एक और देख लो, देखो ये टोटल वाटर है आपका, ठीक है। तो टोटल वाटर के अंदर जो अप्रोक्सीमेटली जो टोटल डिजोल्व सॉल्ट्स हैं वो कितने हैं, 34.8 ग्राम है। इस 34.8 ग्राम के अंदर जो अपन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन है, क्लोराइड है 19.2 ग्राम, फिर सोडियम है, फिर सल्फेट है, फिर कैल्शियम है, फिर ये आपका कौन सा है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और देख लेना यार आराम से, ठीक है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी मैंने इसको लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है कि आयन्स बाई वेट कितना, आयन्स इन सी वाटर कितना है, ठीक है। तो ये देख लेना थोड़ा सा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू पूछता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए जैसे यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया क्लोराइड सबसे ज़्यादा है, सोडियम सबसे उसके बाद में कम है, फिर सल्फेट है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे। अगर ये आपको टेबल बनानी हो ना तो यार बना सकते हो आराम से, ठीक है, लेकिन इन वैल्यू को याद रखना की जगह ये सिक्वेंस है वो याद रखना, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सब कुछ पढ़ाना है, लेकिन आपके काम का मैं इस पूरे मेजर कंस्टिट्यूएंट का निचोड़ बता रहा हूँ, वो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ मेजर सॉल्यूट्स इन सी वाटर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो ये रहेगा आपका, इधर से क्लोराइड से बोरिक एसिड से फ्लोराइड की तरफ आएंगे ना, तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, देख लेना यार। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोराइड है, फिर सोडियम है, फिर सल्फेट है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर पोटेशियम है, फिर बाइकार्बोनेट है, फिर ब्रोमाइड, ये है ठीक है, ब्रोमाइड, बोरिक एसिड, फिर फ्लोराइड। और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। अब नेट वाले हैं ना वो बहुत बदमाशी करते हैं, वो कभी ये पूरी सिक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, इनमें से कोई भी चार उठा के दे देते हैं वो, ठीक है। ना तो इनिशियली स्टार्टिंग के चार देते हैं, ना इन लास्ट के चार देते हैं, इनमें से कोई भी चार उठा के दे देते हैं।
तो कंफ्यूज नहीं होना है यार, ये पूरी सीक्वेंस याद कर लेना। कैसे करोगे वो तुम्हारी ट्रिक तुम्हारे साथ होनी चाहिए, तुम अपनी ट्रिक बना लो इससे, ठीक है, जैसे भी बनाओगे, लेकिन ये याद होना ज़रूरी है यार। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम आता है, ठीक है। फिर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं सी वाटर के अंदर, और न्यूट्रिएंट्स अपन को पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सी वाटर के अंदर आपके मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट नेचर के भी हैं और आपके एनिमल नेचर के भी हैं। दोनों के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, और फूड में आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो होते हैं उसके माइनर कंपोनेंट्स। माइनर कंपोनेंट्स में अपने पास में आते हैं न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स में सी वाटर में न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं मेनली? आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सिलिकन, ये 3 न्यूट्रिएंट्स आपके सी वाटर के अंदर मिलते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दीज आर वेरी क्रूशल फॉर द प्लांट ग्रोथ, ठीक है। ये आपको जब मैं मेराइन प्रोडक्टिविटी पढ़ाऊंगा ना, उसके अंदर बताऊंगा कि रीजनरेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाउ रीजनरेशन टाइम ऑफ नाइट्रोजन इफेक्ट्स दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और इन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का बहुत खतरनाक रोल है मेराइन प्रोडक्टिविटी के अंदर, उसको अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपने पास में जो प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट स्पीसीज है ना, वो नाइट्रोजन को और फॉस्फोरस को एलिमेंटल फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो वो क्या करती हैं? फॉस्फेट और नाइट्रेट के फॉर्म में यूज़ करती हैं। और सिलिकन कौन यूज़ करता है? डायटम्स और जो रेडियल एरियन है वो आपके सिलिके सिलिका को प्रेसिपिटेट। अब सिलिकन का मतलब क्या होता है? सिर्फ SI। सिलिका का मतलब क्या होता है? SiO2। और सिलिकेट का मतलब होता है SiO4, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सिलिकन मतलब SI सिंपल, और सिलिका का मतलब SiO2, सिलिकेट का मतलब SiO4, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसमें। यहाँ पे अपने पास में न्यूट्रिएंट्स की जो सबसे कंसंट्रेशन है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है। तो सिलिकन आपका सबसे ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन है, फिर फॉस्फोरस है, फिर आपका आयरन है, बहुत माइन्यूट में है। लेकिन आयरन है वो एक पर्टिकुलर मेराइन स्पीसीज के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम बताना अगर आपको पता है तो, अदरवाइज मेराइन ओशनोग्राफी जब पढ़ेंगे, मेराइन ओशनोग्राफी क्या, बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सी वाटर के अंदर गैसेस कौन सी हैं? मेनली अपने पास में जो गैस हैं वो आपकी कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कुछ इनर्ट गैसेज हैं जैसे आर्गन, नियोन और हीलियम। ये मेन मेन गैसेज हैं सी वाटर के अंदर, और यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन आपके ड्राई एयर जो एटमोस्फेरिक जो एयर है गैसेज हैं उनके अंदर, नाइट्रोजन आपका एटमोस्फेयर में ड्राई एयर सबसे ज़्यादा है। इन सरफेस ओशनिक वाटर के अंदर ये है, और वाटर एयर रेशियो भी दिया हुआ है। तो कई बार पूछ लेते हैं यार कि देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का वाटर एयर रेशियो है ना वो less than 1 है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ दी वाटर रेशियो less than 1 इन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर का, तो देख लेना यार। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो वाटर एयर रेशियो है वो less than 1 है, बाकी सबका greater than 1 है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपका बन सकता है। अब यहाँ पे जो अपने ट्रेस एलिमेंट्स हैं सी वाटर के अंदर वो कौन से होते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स आपके हैं ना दो तरह के होते हैं, या तो वो टॉक्सिक होंगे या वो बहुत असेंशियल होंगे, ठीक है। तो इसको अपन डिस्कस करेंगे फिर आगे डिटेल में, लेकिन अभी अपने को ये देखना है कि कौन से ट्रेस एलिमेंट्स आपके सी वाटर के अंदर हैं। तो ये आ रही है सीक्वेंस भी है ना, 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी एक अपनी ट्रिक बना करके इसको याद कर लो। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। तो आपका देख लेना कि यार ये लिमोजिन स्टार्टिंग के 4 में तो लिमोजिन आ जाएगा, फिर आगे देख लेना, अपनी ट्रिक बना लेना अपने हिसाब से। लेकिन ये याद होना ज़रूरी है यार, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर से आएगा, ठीक है। नेट के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बाकी एग्जाम्स में तो जैसी मार्किंग होती है उस हिसाब से आ जाता है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, हार्मोन्स, ये सारे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, इसलिए अपन इनकी कंसंट्रेशन अपन डिटेल में डिस्कस भी नहीं करते हैं। जनरली पार्ट्स पर बिलियन दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो ये कंसंट्रेशन पार्ट्स पर बिलियन में दिए हुई है। अब पार्ट्स पर बिलियन का मतलब क्या है कि काउंटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर अमंग 1 बिलियन। अब 1 बिलियन कितना होता है वो बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ये देख लेना। चलो अब कंजर्वेटिव, दो तरह के आयन्स अपने पास में होते हैं, कंजर्वेटिव आयन्स एंड नॉन कंजर्वेटिव आयन्स। अब कंजर्वेटिव आयन्स वो होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन विद कोर्स ऑफ टाइम एंड विद कोर्स ऑफ लोकेशन चेंज नहीं होती है, मोर और लेस वही रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। और नॉन कंजर्वेटिव आयन्स वो होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन है वो विद कोर्स ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। अब आप बोलेंगे कि सर ये 5 हेडिंग जो आपने बताई है इनके अंदर कौन से कंजर्वेटिव हैं कौन से नॉन कंजर्वेटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं ये आपके कंजर्वेटिव आयन्स हैं, कंजर्वेटिव आयन्स है मतलब इनकी कंसेंट्रेशन है वो मोर और लेस कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। आपका मेजर कंस्टिट्यूएंट में कौन से आ गए अपने पास में? क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम,
पोटेशियम, ये सिक्स मेजर कंपोनेंट्स हैं अपने पास में मेजर कंस्टिट्यूट की अगर बात करते हैं तो। न्यूट्रिएंट्स में अपने पास में देखो यार, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सिलिकन था। अब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और सिलिकन तीनों क्या है, जहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स और फोटोसिंथेटिक प्लांट्स का अबंडेंस ज़्यादा होगी वहाँ पे न्यूट्रिशन कम होगा, है ना। और जहाँ पे इनकी कम है कंसंट्रेशन रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स और आपका फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की कंसंट्रेशन कम होगी, वहाँ पे न्यूट्रिशन की कंडीशन क्या होगी, थोड़ी सी बेहतर होंगी। तो आपकी न्यूट्रिशन की कंडीशन है वो लोकेशन टू लोकेशन और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो इसलिए न्यूट्रिशन को अपन क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव आयंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मेजर कंस्टिट्यूएंट्स आर कंजर्वेटिव आयंस वेयर एज न्यूट्रिएंट्स आर नॉन कंजर्वेटिव आयंस, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नॉन कंजर्वेटिव क्यों हैं, क्योंकि दे आर आइदर रिलीज्ड और टेकन अप बाय फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नाउ अपन गैसेज की बात करते हैं, तो गैसेज में देखो यार, CO2 और O2 इसकी कंसंट्रेशन है वो विद कोर्स ऑफ टाइम और लोकेशन चेंज होती रहती है, क्यों, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स की कंसंट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा होगी। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है, जैसे कि हम O2 इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं या प्लांट लाइफ है वो आपके कौन से होंगे, CO2 अब्जॉर्ब करेंगे और O2 एक्सहेल करेंगे, ठीक है। तो आपके जितनी कंसंट्रेशन आपकी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की होगी उतना ही CO2 कंसंट्रेशन कम होगा, जितनी कंसंट्रेशन रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स की होगी उतना ही O2 कंसंट्रेशन आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और यूँ बोलें कि CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि गैसेज इन सी वाटर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एज नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, बिकॉज देयर कंसंट्रेशन इज रेगुलरली अल्टर्ड ड्यू टू फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये है आपका आज का वीडियो लेक्चर 3, और इसके अलावा जो नेक्स्ट है ये अपना सारा का सारा इसमें है, तो देख लेना वीडियो पॉज करके और पढ़ लेना, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, नहीं समझ में आया तो बताओ, और अच्छा लगा हो तो बताओ, अच्छा नहीं लगा हो तो भी बताओ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। घर पे ही रहना है और तबीयत का खास ख्याल रखना है, पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब होनी नहीं चाहिए।